नमस्कार। हाउ टू रिवर्स एनी डिजीज़ नेचुरली, ये है आज का टॉपिक। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा वास्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी दे सकूं। आज का वीडियो पार्ट वन है, अगले संडे को पार्ट टू आएगा और उसके अगले संडे को पार्ट थ्री। इस वीडियो सीरीज़ में मैं कुछ रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए रिकमेंड करूँगा। उन वीडियोज़ को देखना भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी क्लियर होगी, किसी भी डिज़ीज़ को रिवर्स करना उतना ही आसान होगा। हाउ टू रिवर्स एनी डिज़ीज़ नेचुरली, इस टॉपिक से ये तो जाहिर है कि चाहे आपको कोई भी बीमारी हो जिसके लिए आप शायद मेडिसिंस भी ले रहे हों, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़, आईबीडी, कोलाइटिस, सीकेडी, इम्यूनिटी के डिसऑर्डर्स या कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़, चाहे उस बीमारी का कोई भी नाम हो, उसको प्रैक्टिकली आप बिना मेडिसिंस के पूरी तरह कैसे रिवर्स कर सकते हैं, जिसमें आपका घर ही आपका हॉस्पिटल है और आपका किचन मेडिकल स्टोर है। इस तीन पार्ट की वीडियो सीरीज़ में मैं आपको 15 नियम बताऊँगा, जिसका पालन अगर आप करते हैं तो चाहे आपको एक मेडिकल कंडीशन है या मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस हैं, सब एक साथ ठीक होने लगेंगे। सो बेसिकली इन तीन वीडियोस में मैं आपको 15 स्टेप्स प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, जिसका पालन आपको कम से कम तब तक करना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। एज अ जनरल रूल, इस 15 स्टेप्स प्रोटोकॉल को 3 महीने फॉलो करने से मोस्ट ऑफ द डिजीजेज और उनके एसोसिएटेड सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो 5 स्टेप्स अगले वीडियो में और 5 स्टेप्स उसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं द फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ द 15-स्टेप प्रोटोकॉल टू रिवर्स एनी डिजीज नेचुरली। स्टेप नंबर 1 है, अवॉइड ऑल रिफाइंड फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड्स से दूर रहना नेचुरल डिजीज रिवर्सल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी होल फूड्स को पहचानती है, उसकी प्रोसेसिंग बॉडी में पूरी होती है, लेकिन फ्रैगमेंटेड फूड्स को बॉडी ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर पाती। अगर आप एक भी मेडिसिन लेते हैं या एक भी लाइफस्टाइल डिजीज है आपको, तो सबसे पहले रिफाइंड फूड और प्रोसेस्ड फूड को कम्प्लीटली बंद करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें कोई रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, ये सब आप खाइए, लेकिन प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कि मैदा, चीनी, रिफाइंड ऑयल और वाइट ब्रेड जैसी चीज़ मत खाइए। अगर आप अपने हेल्थ को नेचुरली रिस्टोर करना चाहते हैं यूजिंग फूड एज मेडिसिन, तो सबसे पहले ये करना ज़रूरी है कि आप होल फूड्स खाइए और प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड से दूर रहिए। एक बात को समझिए कि होल फूड्स का मतलब कम्प्लीटली होल फूड्स। अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सारे होल फूड्स ही ले रहे हैं और शायद शाम के टाइम एक बार चाय के साथ एक बिस्किट खा रहे हैं, भले ही एक बिस्किट खा रहे हैं, तो हो सकता है आपको डिज़ायर रिजल्ट्स ना मिले क्योंकि अभी भी आपकी बॉडी रिफाइंड फूड से कंफ्यूज्ड रही होगी। अगर गेहूं को पूरा पूरा पीस कर आटा बनाते हैं तो इससे बनी रोटी खा सकते हैं, लेकिन उसी गेहूं का मैदा बन गया तो वो मत खाइए। मतलब एप्पल खाइए लेकिन एप्पल जूस नहीं, एप्पल साइडर विनेगर भी नहीं, ऑलिव्स खाइए लेकिन ऑलिव ऑयल नहीं, पूरा पूरा आंवला खा सकते हैं लेकिन आंवले का जूस या कैंडी नहीं। एक वीडियो है मेरी कि वाई वी शुड नॉट ईट रिफाइंड फूड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टेप नंबर 2, सभी एनिमल फूड आइटम्स को कम से कम 3 महीने के लिए बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी भोजन जिसका सोर्स एनिमल है उसको बंद रखना है कम से कम 3 महीने तक। तो चिकन, फिश, मटन, एग्स बंद, दूध बंद और दूध से बनी सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, जैसे कि दही, छाछ, पनीर, रसगुल्ला, आइसक्रीम एट्सेट्रा। टेक्निकली और साइंटिफिकली इंसान वेजिटेरियन होता है और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, इसलिए मिल्क इज़ नॉट फूड। अगर इस टॉपिक को यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको 2 ऐसे वीडियोज़ रिकमेंड करूँगा जिससे इस पॉइंट पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला है द वाइट ट्रूथ ऑफ वाइट मिल्क और दूसरा है आर यू रियली अ ट्रू वेजिटेरियन। इन दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
स्टेप नंबर 3 है कि आपको रोज सुबह खाली पेट एक ग्लास सफेद पेठे का रस या एशगार्ड जूस जरूर पीना चाहिए। इससे डाइजेशन इंप्रूव होगा, लंग्स मजबूत होंगे, एनर्जी लेवल हाई रहेगी, इससे आपके नर्व्स कूल रहेंगे। ये मन को शांत रखता है, मेंटल क्लैरिटी और बुद्धि भी इससे बढ़ेगी। किसी भी मेडिकल कंडीशन में एज अ मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट मैं इस जूस को अपने हर पेशेंट को ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सफ़ेद पेठा जो है वो हाईएस्ट प्राणिक फूड है, मतलब कि सात्विक फूड आइटम्स के लिस्ट में ये सबसे ऊपर आता है और ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके इंटेस्टाइंस को क्लीन कर देता है और न्यूट्रिएंट्स के अब्सॉर्प्शन को काफ़ी बढ़ा देता है। इस जूस को रोज़ सुबह खाली पेट लेने से आपकी बॉडी का कंप्लीट डिटॉक्स हो जाता है और जितनी भी मेडिसिंस आपने आज तक खाई हैं उनका हार्मफुल रेसिड्यू एक बार पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा। एशगार्ड जूस के बेनिफिट्स और रेसिपी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको एशगार्ड जूस के ऊपर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। स्टेप नंबर 4 है कोकोनट वाटर। जी हाँ, अगर रोज़ आपकी बॉडी को एक नारियल पानी मिले तो किसी भी बीमारी को नेचुरली रिवर्स करना आपकी बॉडी के लिए आसान हो जाता है। नारियल पानी में भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में नेचुरली करेक्शंस कर देता है और मेटाबॉलिज्म ठीक रहने की वजह से हीलिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाती है। इसलिए अगले 3 महीने तक हो सके तो एक नारियल पानी रोज़ लीजिए। सिप बाय सिप पीना है धीरे धीरे फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन इन द बॉडी। नारियल पानी को पीने का बेस्ट टाइम रहेगा लंच के 1 घंटे के बाद। एक वीडियो है मेरी, कोकोनट वाटर इज द फ्लूइड ऑफ लाइफ, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने कोकोनट वाटर के ऊपर विस्तृत जानकारी दी है और हीलिंग प्रोसेस में मिनरल्स के रोल को भी डिस्कस किया है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। और स्टेप नंबर 5 है ग्रीन लीव्स। नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के लिए ग्रीन लीव्स में काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। आपको डेली बेसिस पे कम से कम 1 ग्राम ग्रीन लीव्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको 70 ग्राम हरे पत्ते रोज़ खाने हैं। इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं लेकिन कम से कम 1 ग्राम रॉ ग्रीन लीव्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। कोई भी ग्रीन लीव्स खाइए लेकिन पत्तों को कुक नहीं करना है। धनिया पत्ता, पुदीने का पत्ता, पान का पत्ता, कड़ी पत्ता, तुलसी पत्ता, मूली का पत्ता, एनी ग्रीन लीव्स। सब्जी बनने के बाद उसमें धनिया का पत्ता मिला सकते हैं, लेकिन धनिया को सब्जी के साथ पकाएंगे तो उससे मिलने वाले बेनिफिट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। और रोज़ पत्ते खाने का सबसे कन्वीनियंट तरीका है हरी चटनी रोज़ खाना। मैं फूड एज मेडिसिन के अंतर्गत जितनी भी चटनियाँ पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ उनमें से जो बेस्ट ग्रीन चटनी है उसके बेनिफिट्स और रेसिपी के ऊपर एक वीडियो बनाया था मैंने, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि इसको कैसे बनाना है। उसमें मैंने बताया है कि हरी पत्तियाँ कैसे मेडिसिन की तरह काम करती है और इस मेडिकली प्रूवन ग्रीन चटनी को कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। अगले हफ्ते हम स्टेप नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं हर कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।